उम्मीद करें सारे ठीक ठाक हो। सो मेरा नाम है मोहम्मद अब्बास, असलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हम मोहम्मद उस्मान व्यूअर सारे एक कस्टमर की कॉल आई है, उन्हें आज इमा जमाने चेक करनी है, उन्हें आज बकौल ना के हीट चाहिए हुई है। अगर वो हीट चाहिए हुई तो वह तुम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए बीज रखे सो, तो बाकी सारे एक दोस्त है पिया मोहम्मद अरसलान वो उन्हें कमाल वहाए हो तो वो बिल्कुल देसी तरीके गुड़ तैयार करें पैन, तो तुम सारा मुकम्मल प्रोसेस वहाँ अस शेयर करे सो। तो वीडियो शुरू करने से पहले तुम्हारी तमाम व्यूअर तक गुजारिश जहाँ सारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ब्राजा विलोंग सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर देवे, तो बैल आइकन लाजमी प्रेस कर देवे ताकि सारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुम पर मुयसर हो सके। तो चलने वीडियो की तरफ विवाह सब तो पहले मैं तुम्हें एक टवैल ही सैर करवाना, तुम देख सकते हो ये दू टवैल हैं पे ना खाड़ा एक ही पिया, तो तुम चलते मैं तुम्हारे शेयर करना कि हकीकत क्या है। विवाह से इनकी वजह ये पी कि टवैल है पी ना ये हाली अखू ये बोर खत्म हो गया तो पानी बिल्कुल नहा जाता पिया, इस वजह उन्हें टरपैन लवाइए तो हूँ मार बास भाई पानी पीने खड़े हैं। फिवर अब्बास भाई हूँ ताज़ा पानी पीते खड़े हैं, तो इन्हें हाथ पैर भी धोते हैं मुँह भी धोते हैं, तो हूँ मैं तुम लिखा ना इवें कि पानी किस तरफ वहदा पी है। फिवर ये पानी खाले च निकलते अगर खाले की तरफ वहदा पी है, तो अगर ये पानी पुली के तलों वहदा पिया, फिवर उतना पुली भी देख सकते हो। फिवर सब तो पहले अस इन्हें रियाज भाई और जुम्मे वाले खूह ते आए खड़े हैं, तो इन्हें आख्या कि अगर हीट चाहिए हुई हूँ डॉक्टर साहब चेक करें तो पैन अगर हीट चाहिए हुई तो तेन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जरिए सिमर रखे सूँ। फिर डॉक्टर साहब ने चेक करते दिखाया कि गां हीट है तो बिल्कुल कोई नहीं आई आई, अलबत्ता उनकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन होए खड़े हैं, रसोली नु माना जख्म होए खड़े हैं, तो उनका असर ट्रीटमेंट करें पे हैं। रियाज भाई और सू कॉल कर दिखा है कि सारी गां हीट चाई खड़ी है, डॉक्टर साहब ने पहले चेक किया है तो उनकी बच्चेदानी में रसोली आई पी, इस वजह ना हम उस दवाई तैयार की है, तो हमने डॉक्टर साहब दवाई गां की बच्चेदानी में रखी है पैन इंशाल्लाह इंफेक्शन दूर हो डॉक्टर साहब खत्म हो गई दवाई लगता है। फिवर जुम्मे वाले खूह तो ट्रीटमेंट तो बाद हूँ असा वह पे चक नंबर 139 WB उत्थे वहीं तो लिखे ने कि किस तरह गुड़ तैयार करें पैन। फिवर रस्ते असा थोड़ा जहा रुके हैं, ये वाली लोकेशन चक्की वाले तो बिल्कुल नाल है पी, फिवर ये वाली जगह इतनी खतरनाक है पी कि अक्सर इस जगह पर नांग दूजिया खतरनाक चीज़ा भी अक्सर वधिया होनी, तो एक तुम खुदा देख सकते हो कितनी खतरनाक हैं पी। फिवर हूँ अस 139 WB की तरफ वह पे तो देख सकते कितना खूबसूरत विलेज लाइफ का व्यू है, कितना खूबसूरत नज़ारा है फिवर इतनी खूबसूरत करीनी, वाह वाह सुभान अल्लाह। आखिरकार फिवर अस उस लोकेशन पर आ गए हैं जी जगह आने का बेसब्री नाल इंतजार है, फिवर तुम देख सकते किस तरह अरसलान भाई और कमांड बहाए हुए, तो किस तरह ये कमांड नाल गोल तैयार करें पे सामने ट्रैक्टर तो वो वेलना टाइप मशीन खड़ी है, तो वेलने के विवर ये गन्ना रेह दें तो जूस निकल आता है, तो बाद जूस के जरिए ये बाद गुड़ तैयार करें दें, ये वाली मशीन है भाई इन्हें सरैकी के वेलना दें, तो अगों ड्रम पी है ड्रम के जूस गतेंदे आते हैं जोड़ा रस निकलता है, तो विवर बाद रस में इस वही सारी कढ़ाई के गतेंदे आते हैं, तो तलू बाद भा बाल देखो किस तरह बाबा जी भा बाली बैठे, तो जिस टाइम ये बात घाड़ा हो जाता ना मतलब घाटा वाद इन गुड़ तैयार कर लेंगे, तो विवर अगर गोड़ इन्हें तैयार भी किया हुआ चल तो मैं तुम लिखा ना, तो भाई और भट्ठी तक बैठे पा लै भी है ना सरती है वे सिकेन बैठे अगर बोरी पी चल तो मैं तुम लिखा ना। विवर इस बोरी जो तुम देखो कि किस तरह इन्हें बिल्कुल फ्रैश गोड़ तैयार किया हुआ है। फिवर सामने अब्बास भाई ते अगो अरसलान भाई खड़े हैं, एक गन्ना त्रोड़े पैन
सलान भाई आवाज दे ते मेरे क्लास फैलवेन पै तो वजह से वजन ना कर कोई गन्ना ले वणो फते सोजे नाल अरसलान भाई गोल ते चंगा जिया कोई गन्ना तोड़े ते पैन जेड़ा ज्यादा मिठो सी आवाज भाई नो हाथे पदाओ बहुत शुक्रिया भाई जान बहुत बाद हूँ असा एक नवी लोकेशन से मोदारा सही दे वेंदे पे उतो आए थे एक माई की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करे सूँ तो बाद उतों का खूबसूरत नज़ारा भी दिखा सूँ आखिरकार व्यूअर असा मोदारा सही दे इस लोकेशन से पहुंच गए हैं इस जगह पर असा माई की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करे सूँ ਵਰਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਤੇ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਇਨਾ ਲੜਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਦੇਸ ਵਜ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਮੈਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੂਕੇ ਆ ਵੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਵੇ ਤੇ ਤਬੀਆ ਦੇ ਨਾ ਮੜਾਈ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਜੇ ਭਾਈ ਬਾਰੂ ਲਈ ਆਂਦਾ ਇਸੇ ਮਾਜੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਬਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਮਾਂ ਰੱਖੇ ਸੋ ਵੀਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮਾਈ ਦੀ ਹੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਅਗਰ ਹੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰਵਾਂਡੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਈ ਹੀਟ ਚਾਹੀ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੀਮਾ ਰੱਖੇ ਸੂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਹੀਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਵਰ ਦ ਹੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਈ ਪਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਡੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ आखिरकार साहिल भाई ने डोज तैयार कर लिए तो हमने सीमन की डोज न माई दे रखे ने पर देख सकते डॉक्टर साहब हमने इस माज न सीमन वाली डोज रखन लगे ਬਸ ਹੁਣ ਸਫਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀਵਰਸ ਮੋਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀਵਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾਦਰ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਸੂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼